নমস্কার দেখছেন গুগলি এন্টারটেইনমেন্টের পক্ষ থেকে গুগলি নিউজ করোনা দুর্যোগকে আটকাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন সপ্তাহে দুদিন লকডাউন থাকবে সেই মতো আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় লকডাউন পালন করলো জনসাধারণ হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেল সেই চিত্র পুলিশ প্রশাসন কঠোরভাবে দ্বিতীয় লকডাউনে নাকা চেকিং এ রাস্তায় নামলো রাস্তাঘাটের পাশাপাশি বাজারঘাট যেমন শুনশান তেমনি মানুষজনের কোনো দেখা নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ রাখলো সকলেই করোনা মহামারীকে একসঙ্গে সকলে রুখতে হবে সেই মতো মানুষজন আজ সারাদিন ঘরবন্দি হয়েই থাকল কেউ কেউ যদি জরুরি কারণে বের হয় সঠিক কারণ দেখাতে না পারলে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন পাশাপাশি করোনার সচেতনতায় পরামর্শ দিচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন জরুরি কারণে যদি কেউ রাস্তায় বের হয় পুলিশ লক্ষ্য রাখছে তাকে সে মাস্ক পরেছে কিনা যদি কেউ মাস্ক না পরে থাকে তাকে করোনা সচেতনতার পরামর্শ দিচ্ছেন পুলিশ এইভাবে আমরা সচেতনতার পাশাপাশি প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা মানি তাহলেই করোনা মহামারীকে আটকাতে পারব গাড়ি আসতে হবে না গাড়ি থাকবে গাড়িটাও সিজ হবে গাড়িটাও সিজ হবে বল প্রয়োগ করবো বল প্রয়োগ করবো বল প্রয়োগ করবো কি অসুবিধা হলো স্যার আমি তো পরশু দিন শ্রীনগর থেকে বেরিয়েছি আমি তো জানতাম না লকডাউন আতে ওয়াক শুনলাম যে লকডাউন আগে ফির লকডাউন আগে আসানসোল রাজধানী সে টিকিট ভি করা লি এক মহিনে সে পেলে
टिकट कन्फार्म हो गया था, फिर आया, फिर आसनसोल में आया, सुबह से बैठा है, कुछ नहीं, पुलिस वाले भी आया, वो भी भाग गया पूछताछ के, कुछ नहीं व्यवस्था किया, फिर कैसे जाओ? कम से कम तो एक दो बात से सुबह से चलना देना चाहिए, कितना पैसा बाहर से जो जो आ रहा है उतना भी सारे बैठा है इधर, कब से बैठे रहेगा? पुलिस वाला भी आया, वो भी भाग गया, वो कुछ रिपोर्ट लेके, वो भी कुछ नहीं व्यवस्था किया, फिर बोल रहा हूँ तो कुछ तो परमिशन दो, घर से गाड़ी मंगा रहा हूँ, उस भी कुछ नहीं बोल रहा है, कब से बैठा हूँ इधर से। आपके रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला बिष्णुपुर से, मैं आया श्रीनगर से। अभी आपका वर्तमान स्थिति क्या है? मेरा वर्तमान स्थिति, मेरे को किसी भी तरह से घर पहुँचना, मैं कैसे घर पहुँचा गया, तो सुबह से खड़ा इधर, दुकान वगैरह भी खुला नहीं है, फिर गाड़ी भी इतना छोटा गाड़ी, इतना किराया बोल रहा है 7-8 हज़ार किराया बोल रहा है, इधर श्रीनगर से आने इतना फर्क नहीं है। सरकारी बात तो खोलना चाहिए, पुलिस की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पुलिस के आया था रिपोर्ट लेके भाग गया, बस कुछ नहीं बोला, बोले अपना गाड़ी करके जाओ, फिर बोल के गया। आपका नाम बताओ? मेरा नाम राजू नालीबा है। यहाँ का प्रशासन के ऊपर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह का रवैया? प्रशासन को तो मुझे लग रहा है कुछ तो व्यवस्था किया ही नहीं, आया खाली देख के भाग गया, रिपोर्ट लेके भाग गया, बस घूम घाम के। ये क्या सही है, कितना तक उचित है? ये तो बिल्कुल तो गलत है, कुछ ना कुछ करना, एक दो कम से कम तो हम लोग बोला सर प्राइवेट गाड़ी की बात तो कम से कम एक दो दिन में हम लोग चल जाते हो किसी भी तरह से, फिर बोला अपना गाड़ी करके जाओ, फिर भाग गया उन लोग पुलिस वाले आके। किस जिले से आप? कौन से जिले से हैं? मैं पश्चिम मिदनापुर जिला से। आपका परिचय क्या है? आपका परिचय आपका क्या है? मेरा नाम राजू नाली बायन, मेरा घर तो गढ़वा का पड़ता है। आप कैसी में हैं? मैं सियासी में हूँ। लॉकडाउन का दिन में कहाँ जा रहे? आज तो लॉकडाउन है ना, सरकार तो तरफ से तो मना किया है, आप उस तो काहे ले दिहार, आप तो गाड़ी में बैठे हुए है। कोथा है? आज तो सब लॉकडाउन जन्य तो सब किस तो छुट्टी दिया हुआ है, ताओ सब तो अपना देरी से কোথা থেকে আসছে এখানে কোথায় যাবেন? তো আজকের দিনেও কি আপনাদের ছুটি দেয়নি? না ছুটি দেয়নি।